सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसमें सामंतवादी सोच नजर आती है। सरकार मजदूरों को भी कम से कम 250 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को महज 35 रुपए ही दिए जाते हैं। इस दाम पर आशा बहनों को साल 2005 में नियुक्ति की गई थी। आशा बहनों ने जब मानदेय बढ़ाने के लिए आवाज उठाई तो मई के महीने में उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आशा बहनों को 15,000 और सहायिकाओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जैसा कि हमेशा होता है, सरकार वादा तो कर देती है लेकिन उसे निभाने से बचती है। ऐसा ही आशा बहनों के मामले में हुआ। बस फिर क्या था, एक महीने तक मांग करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो आशा बहनें लक्ष्मी कौरव के नेतृत्व में मंगलवार को भोपाल की ओर पैदल ही कूच कर गईं। अलग अलग जिलों से आशा बहनें भोपाल की ओर रवाना हुई तो प्रशासन चौकन्ना हुआ। उन्हें रास्ते में रोकने का क्रम शुरू हो गया, लेकिन आशा बहनें भी डटी रहीं। वे सड़क किनारे बैठ गईं। इसी बीच जोरदार बारिश और आंधी शुरू हो गई। महिलाएं किसी तरह बचने का प्रयास करती रहीं, लेकिन वापस जाने को राजी नहीं हुईं।